सो so, दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसर स्पायर सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन का मॉडल काफी जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों जिसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी दे चुका हूं और ये लैपटॉप अब आप लोगों को फ्लिपकार्ट एंड एसर के ऑफिशियल साइट पे भी लिस्टेड देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में आप लोगों को एमआरपी प्राइस भी देखने को मिल जाएगा लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा कंपेरिजन शेयर करने वाला हूँ जो की आप लोगों को इसी लैपटॉप का ट्वेंटी का मॉडल वर्सेस ट्वेंटी का मॉडल के बीच देखने को मिल जाएगा क्या कुछ डिफरेंस आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगा कम्पेयर टू ट्वेंटी के मॉडल के साथ आप लोगों को जब भी ये लैपटॉप अवेलेबल देखने को मिल जाए तो आप लोगों को क्या ट्वेंटी ट्वेंटी वन का मॉडल लेना चाहिए या आप लोग स्टिल ट्वेंटी ट्वेंटी को कंसिडर कर सकते हैं सभी बातें है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके फ्यूचर में भी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के नोटिफिकेशन टाइमली पा सकते हैं स्टार्ट करें दोस्तों कंपैरिजन को तो अगर हम लोग बात करें डिजाइन की तो इन दोनों ही मॉडल में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम डिजाइन देखने को मिलेगा दोस्तों इस साल के 2021 मॉडल में आप लोगों को ह्यूज चेंजेस डिजाइन वाइज कोई भी देखने को मिलेगा नहीं इनफैक्ट मैं यही कहूँ कि कोई भी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर किया ही नहीं गया एसर की तरफ से बिल्कुल ही सेम बॉडी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जैसे आप लोगों को ट्वेंटी में देखने को मिल रहा था सेम की का लेआउट आप लोगों को मिलेगा सेम वेंट का पोजिशन देखने को मिलेगा सेम ब्रांडिंग देखने को मिलेगा पोर्ट्स का भी प्लेसमेंट आप लोगों को बिल्कुल ही सेम ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो डिजाइन वाइज तो आप लोगों को कुछ ज्यादा नोटिसेबल यहाँ पर होगा नहीं लेकिन जहां पर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे वो है दोस्तों इस लैपटॉप का प्रोसेसर दोस्तों इस साल आप लोगों को एम डी राइज फाइव डबल चिपसेट देखने को मिलेगा जो की काफी यहाँ पर है दोस्तों, अगर पिछले साल के वेरियंट की बात करें तो आप लोगों को के ही CPUs देखने को मिल रहे थे लेकिन वो जो थे आप लोगों को एच सीज के मिल रहे थे भले ही वो थ्री थाउजेंड सीरीज के हो लेकिन आप लोगों को एच सीरीज के मिल रहे थे लेकिन इस साल आप लोगों को यू सीरीज के दिए गए हैं लेकिन अगेन यही भी कहूंगा दोस्तों की ये चिपसेट काफी बढ़िया है क्योंकि सिक्स कोर का ये सीपीयू होने वाला है पिछले साल वाला फोर कोर का था दोस्तों और इस साल आप लोग अप टू तो फोर तक भी जा सकते हैं दोस्तों तो ये काफी बढ़िया बात है ये लैपटॉप अब गेमिंग जैसा तो मैं कहूंगा नहीं दोस्तों की आप लोग इसमें बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग कर सकते थे पिछले साल भी इतना ज्यादा हैवी गेमिंग के लिए था नहीं नॉर्मल वर्क के लिए लैपटॉप काफी बढ़िया था दोस्तों इस साल भी आप लोग नॉर्मल वर्क के लिए इसको कंसिडर आराम से कर सकते हैं आप लोगों को इस साल भी आराम से इनवीडिया जीटीएक्सटीन फिफ्टी जीपी का ऑप्शन फिलहाल के लिए एक ही वेरियंट मुझे देखने को मिला है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा पिछले साल आप लोगों को राइजन 5 में दो जीपी का ऑप्शन मिल जाता था अब भी आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा चाहिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को को एंड में देखने को मिलेगा नहीं तो मैं यहाँ पर कोई भी कम्प्लेन करूंगा नहीं कि यहाँ पर आई नहीं ले आया गया थोड़ा प्राइस ज्यादा भी हो जाता अगर टी आई पर आप लोगों को अवेलेबल करवाते हैं तो मैं कहूंगा ये ठीक है रैम के मामले में आप लोगों को पिछले साल की तरह एट जीबी का डी रैम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टोरेज में भी आप लोगों को इस साल पांच सौ बारह जीबी का दिया जा रहा है और डिस्प्ले साइज भी इस साल आप लोगों को सेम

देखने को मिल जाएगा पिछले साल 5.0 था अपोर्ट्स के मामले में भी लैपटॉप बिल्कुल ही सेम रहने वाला दोस्तों कोई भी ज्यादा पर लोगों को माइनर चेंजेस भी देखने को नहीं मिलेगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है दोस्तों जो कि आप लोगों को जानना जरूरी था अब बात करें दोस्तों इसकी प्राइसिंग को लेकर तो इस ने इसका प्राइसिंग अभी तक रिवील किया नहीं है फ्लिपकार्ट में ऑब्वियसली आप, आप लोगों को इसका एमआर प्राइस देखने को मिल जाएगा जो की अंडर नाइन्टी के है लेकिन एक्सपेक्टेड मैं यही कर रहा हूँ की लैपटॉप अंडर सिक्सटी के में आए क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस आने वाला है नहीं दोस्तों 2020 से आप लोग ने देखा कि एकदम बिल्कुल ही सेम रहने वाला है कोई भी यहाँ पर ज्यादा ह्यूज चेंजेस किया नहीं गया बहुत से माइनर चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं एसर की तरफ से तो प्राइसिंग इसका मैं कहूंगा उतना ज्यादा करना नहीं चाहिए और यहाँ पर एच सीरीज के जगह यू सीरीज का आप लोग प्रोसेसर दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर अंडर सिक्सटी के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एच सीरीज के सीपीयू आप लोगों को इस साल फिफ्टी थ्री के हमें देखने को मिल रहा है तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या कुछ प्राइसिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लैपटॉप जैसे ही आ जाता है दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा और उसमें मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा कि आप लोगों को लैपटॉप लेना चाहिए

आ गया दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि ये नया लैपटॉप आने वाला है दोस्तों मन में कोई डाउट है तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में आकर भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो बस दोस्तों यही कुछ इन्फॉर्मेशन था जो की मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू दोस्तों मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में लेके आता रहूंगा लेकिन तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में